उम्मीद है दोस्तों, मैं हुस्नैन इफ्तिखार। और पार्ट अब ये है यार कि ये इंजरी के बाद ये मेरा पहला व्लॉग है, और एक चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ, ये देख सकते हैं। और आपका भाई आज यूनिवर्सिटी जा रहा है फ्रेंड्स की तरफ, तो चलते हैं अभी। जी तो भैया, मैं एक्चुअली अभी बैठा हूँ यूनिवर्सिटी में, और यूनिवर्सिटी में मैं इसलिए आया था कि हम लोग एक सीक्रेट प्रोजेक्ट में हम लोग काम कर रहे हैं। भैया सीक्रेट है तो ऑफकोर्स मैं बता नहीं सकता। बाय द वे, ऑफिशियली तौर पे हमारी यूनिवर्सिटी अभी ऑफ है, बस हम लोग फ्रेंड्स आते हैं, और ये हमारा एक्चुअली साढ़ा अड्डा है जहाँ पर हम लोग बैठ के खाते हैं पीते हैं। और उसके साथ साथ ये है कि यार काम यहाँ पर होता है, और शुगर मेला हम लोग यहाँ पर करते हैं। हाँ जी भैया, तो जिस काम की मैं बात कर रहा था और वो ये है कि यार मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ मिलना था, कि एक मीटिंग थी, सीक्रेट मीटिंग, मतलब बता नहीं सकता। तो मेरे फ्रेंड्स एक्चुअली बहुत पुराने हैं, शायद ही मेरे ब्लॉग्स में आए हों। ये हमारे टेडी बियर, हमारे मैंने प्यार से टेडी बियर कहता हूँ, जिशान भाई हमारे और फिजान भाई हमारे। सो अभी यहाँ से फ्री होने के बाद मैं सीधा ऑफिस आ रहा। यार देखो, जाम पे बात आती है ना दोस्तों की, तो भाइयों वाला रिलेशन है हमारा। तो हमारे आज फिजान भाई मुझे ड्रॉप करने जा रहे हैं ऑफिस। बाय द वे एक बात कहूँ, फिजान भाई की नहीं, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं ना, जितने भी फ्रेंड्स आज तक लाइफ पे, यार उन्होंने मुझे आज तक बहुत सपोर्ट किया, और मैं आज जिस स्टेज पर हूँ ना, ठीक है, मैं अपने सिर्फ फ्रेंड्स की वजह से। आई लव माई फ्रेंड्स। और भैया फैमिली के बाद ना फ्रेंड्स मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बताता हूँ भाई कोई भी नहीं है वो। ओए 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 ओए, ये तूने काम है मुझे अबे यार ओह माय गॉड। जी तो भैया, मैं आ चुका हूँ घर अपने वापस। और भैया ये व्लॉग प्लान के मुताबिक नहीं था, जैसे जैसे फ्लो था वैसे वैसे मैं बैठा गया। भाई साहब, ना इसमें सिनेमैटिक शॉट्स हैं, ना इसमें कहीं घूमने के मैं गया हूँ। बस अपनी तबीयत के बारे में बताना था कि मुझे एक्चुअली हुआ क्या, और KNTC वाला जो व्लॉग था वो पहले शूट किया हुआ था और वो रहता था, तो इसलिए उसके बाद आया। अब सवाल ये पैदा होता है कि मेरी लेग को हुआ क्या है। तो भैया 1 मंथ पहले मैं स्लिप हुआ घर के गेट से, एंड मेरी एक्चुअली जो लेग थी वो फुल बेंड होगी एंड ट्विस्ट होगी। यार जहाँ तक बात आती है डॉक्टर से चेकअप करवाना, तो भैया मैंने डॉक्टर से चेकअप करवाया और उसने 3 वीक्स का बेड रेस्ट दिया था। जो बंदा 3 आवर मुश्किल से बेड रेस्ट करता है, वो 3 वीक्स कैसे बेड रेस्ट करे, टेल मी। यहाँ तो इसलिए भैया मैं 1 वीक मैंने रेस्ट किया, एंड उसके बाद फिर मैं अपनी रेगुलर लाइफ में इंटर ही हुआ हूँ अभी बिल्कुल, क्योंकि ये मेरा 2nd वीक चल रहा है अभी बेड रेस्ट का। तो रेस्ट तो होता नहीं है मुझसे यार, लाइफ के और भी काम है जो कि करने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए आपका भाई 2nd वीक में उठा और बाहर गया। तो भैया 3 वीक्स के लिए मुझे बेड रेस्ट और ये नी सपोर्ट वगैरह मिली थी, और 3 वीक्स के बाद मेरा दोबारा चेकअप होगा, उसके बाद MRI होगा। MRI में अगर मेरी लेग ठीक हो जाती है तो अल्हम्दुलिल्लाह वेल एंड गुड, नहीं तो भैया ऑपरेशन होगा। और मैं पर्सनली नहीं चाहता कि यार मेरा ऑपरेशन हो, अगर ऑपरेशन हुआ 2-3 मंथ्स बेड पे मिल जाएंगे, तो ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता। यार आप सब लोग अपने भाई के लिए दुआ करो कि यार मैं जल्दी सेहतयाब हो जाऊँ और मैं ऑपरेशन से बच जाऊँ। और यार मेरे पास कुछ न्यू आइडियाज़ हैं, ये ठीक होने के बाद मैंने उन आइडियाज़ पे फोकस करना है। और जाते जाते लास्ट में एक छोटी सी बात, इस हालत में मैं उठ के बाहर गया, जाके वीडियो शूट की, लोगों से मिला,
इसे ही कहते हैं जो मैं इश्क किया। चलता है।